हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्स फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। नया नहीं है मेरे लिए, बहुत पुराना है। मेरी मायके में इस तरीके से आलू के पापड़ बनाए जाते थे, एंड मैं भी सोच रही हूँ कि मैं पापड़ बनाऊँगी। लेकिन आज मैं बहुत सारे नहीं बना रही हूँ, बहुत कम बना रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि ये सिर्फ मैंने मेरी मायके में देखे हैं, कभी बनाए नहीं हैं खुद से, तो मुझे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है। चाहने के लिए तो मैं YouTube पे भी देख सकती हूँ, क्योंकि YouTube पे भी ये सारे रहते हैं। लेकिन नहीं, मैंने नहीं देखे YouTube पे। जो मेरे मायके में जैसे बनते थे, बिल्कुल मैं वैसे ही बना रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और हरी धनिया का इस्तेमाल किया है, और मेरे मायके में लाल, जो जैसे चिली फ्लेक्स बोलते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता था, एंड जो सूखा धना होता है उसको इस्तेमाल किया जाता था। बट मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं सबको ट्राई कराऊंगी। सबको तो मतलब ऐसे कि पापा तो आलू नहीं खाते हैं, बाकी मिशिका है और क्या बोलते बाबू हैं, मैं इनको ट्राई करवाऊंगी। अगर इन लोगों को पसंद आई ये आलू के पराठे, वो आलू के पापड़, तो फिर मैं क्या करूंगी, थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी। फिर मैं 10-12 किलो आलू के पापड़ बनाऊंगी। हमारे यहाँ पे तो खैर मायके में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। मैंने सिर्फ अपने मायके में सारी चीज़ें देखी हैं, कभी खुद से ट्राई नहीं की, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। सो आपको पता होगा छोटी बेटियों को कैसे रखा जाता है। मुझे मेरी मम्मी बोलती थी, तुम लोई बना दो, ऐसे तेल लगा के ऐसे गोले बना दो, बाकी ये सब हम करेंगे। तो एक बहन जाती थी, दाल डाल के आती थी, और ऐसे हमारी तीन बहनें बैठ के मतलब दो तीन बहनें थी हमारे घर में। हम लोग टोटल 5 बहनें हैं, मतलब मेरी बड़ी मम्मी की और मेरी मिलाकर, तो सब एक ही घर में रहते हैं। तो वो लोग क्या करती थी, 5 लोग बेलती थी और इस तरीके की पॉलीथिन ले लेते थे। तो ऐसे दो दो तीन तीन पॉलीथिन डालती जाती थी, और एक बहन जाके धूप में जल्दी से डाल देती थी। आप लोगों को पता होगा गाँव में खटियाँ होती हैं, उस पर डाल देते थे, और फिर उसको बाकायदा एक पन्नी पर डालते थे और एक पन्नी से ढाँक देते थे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी करने वाली हूँ। और देखो, बातों में ना मैं बहुत सारे पापड़ तो गोल भी नहीं बनाई थी। अब दिमाग जा रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी तो बनाने की। कुछ तो अंडे के आकार में बन रहे हैं। अब इनका अगर टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर मैं वो और सारे बनाऊँगी। तो आज मैं ना सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, खाना भी मेरा बन चुका है, और मैंने कहा ये मुझे ज़रूर ट्राई करना है। और पता है धूप इतनी ज़्यादा है ना, कि मैं यहाँ कोने में बैठ के बना रही हूँ, ताकि थोड़ी धूप कम लगे। क्योंकि ये अगर हम नीचे से बना के छत पे लाते तो हमारे ख़राब हो सकते थे, और वो रिस्क हम लेना नहीं चाहते थे। तो फर्स्ट टाइम ट्राई करना। देखो मेरे पापड़ बन चुके हैं, और हंसेंगे लोग, आप लोग शायद मेरे ऊपर हंसे भी कि मतलब इतने कम पापड़ कौन बनाता है। बट मैं सच बताऊँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किए हैं, और मैंने इतने ही बनाए थे कि 10 पापड़ बने। बट आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कितने पापड़ दिख रहे हैं। मैं तो चाह रही थी 10 बन जाए, और मैंने अभी काउंट नहीं किए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं खाने की चीज़ को कभी काउंट नहीं करते। बाकी आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। बन गए हैं हमारे पापड़, और अगर ये अच्छे बने तो मैं तल के भी आपको दिखाऊँगी इनको, और साथ में मैं इनकी पूरी रेसिपी बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है और किस तरीके से इनको बनाया जाता है, सारी चीज़ें डिटेल में। अगर चाहते हैं उसकी रेसिपी तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। चलो चलते हैं नीचे, बहुत धूप है। पहले इसको ढक दूँ, मैं एक पॉलीथिन लेके आई हूँ, क्योंकि अपन ऐसे ढक दो ना तो इनमें क्या होता है, डस्ट नहीं आती है। दीदी अच्छी है, दीदी स्कूल में पढ़ती है, मंस स्कूल नहीं जाता है। जल्दी बताओ नहीं तो फिर चॉकलेट नहीं मिलेगी ना। एप्पल बहुत 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 पापा आज के बाद चिंगम नहीं देंगे। बड़ा बड़ा चिंगम देंगे, पढ़ो तुम दीदी कुछ। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बार बार कहो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। कहना रटना थोड़ी है, सीखना है। ए फॉर खाने वाला एप्पल, बी फॉर खेलने वाली बॉल। चलो मिशिका। हाय मम्मा। चलो आज आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोग सही सही आंसर देना, ठीक है मांश? यस। ठीक है मिशिका, ओके। तो सबसे पहले सुबह आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? इतना सोचना पड़ रहा है भाई, तो बोलो ना। और आपको गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? ठीक। तो फिर उसके बाद आपको ब्रश कौन कराता है? वो तो आप खुद कर लेती हो ना। हाँ चलो, आपको ब्रश कौन कराता है? मैं तो खुद करती हूँ। तो लेकिन दीदी कराती है आपको? नहीं, दीदी मैं खुद कर लेता हूँ। पर दीदी तो आपके पास रहती है ना। नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ। चलो ठीक है, खुद कर लेते हो, ठीक है। आपको सुबह नाश्ता कौन देता है?
आपको पापा नाश्ता, आप फिर नहीं मिलेगी चीज। ठीक है, सही सही आंसर देना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो लोगों को लगेगा गलत बुलवा रही है चीज देने के बहाने में। ठीक है चलो, उसके बाद नहलाता कौन है आप दोनों को? मैं खुद से भी नहा लेती हूँ और मम्मी भी नहला लेती हूँ। और आपको कौन नहा लेता हूँ? और मम्मा बैठ के आंसर करोगे तो बात करें, फिर चिंता भी मिलेगी प्राइस में। हाँ चलो, अब उसके बाद क्या पूछना चाहिए आपको? दोपहर में खाना कौन देता है दोनों को? मुझे। आपको कौन देता है खाना? मम्मा। ठीक है, मिशिका आपको पढ़ाता कौन है? जितना भी पढ़ाते हैं बट पढ़ाते कौन है? निकिता बस। नहीं, ऐसे घर में कौन पढ़ाता है? आप। पापा पढ़ाते हैं? अच्छा, पापा ये सारा कर रहे हैं। मम्मी मम्मी पढ़ाती है ना। हाँ, ये कह रहे थे। आप लोगों के कितने मूड स्विंग्स होते हैं, कभी मम्मी कभी मम्मा कभी मॉम, समझ लो कि बोलना क्या है। चलो, अब आप फैमिली नेम्स। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन है वो और बता देना। ठीक है, और आपके लिए आइसक्रीम कौन लाता है? झूठ नहीं, पापा। आपके लिए चॉकलेट कौन लाता है? आपके लिए जो भी आप मांगते हो वो कौन लेके आता है, जो भी आपको चाहिए होता है? पापा जी। पापा ऐसे कर देते हैं। पापा बोल दो। हाँ चलो ठीक है, और वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, आप दोनों सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? कितने बेकार हो, सब कुछ मम्मी कराए, सब कुछ मम्मी कराए, गंदी चीजें पापा कराए, गंदी से गंदी चॉकलेट पापा लाए, आइसक्रीम पापा लाए, हाथों में कीड़े लग जाए। और हाँ, प्यार दोनों से। पापा ऐसे कर दो दोनों, और जैसे मम्मी कहा तो ऐसे। सो गुड आफ्टरनून गाइस, जैसे कि आपने देखा इसमें आपको जो व्लॉग मिलेगा वो बुधवार एंड मंगलवार एंड बुधवार का मिलेगा। सो आज था वेडनेसडे एंड मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरी थोड़ी सी तबीयत, मैं मतलब अनवेल सा फील कर रही थी, बिकॉज आप देख रहे हो ना कितनी गर्मी चल रही है। तो मैंने इनको बोला थोड़ी मेरी किचन में हेल्प करा लो, तो ये मेरे साथ किचन में हेल्प कराने आए थे। और यहाँ पे मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल जब बन जाएगी। तो बाकी मैं सीखने लग गई थी रोटियाँ। इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है ना कि आपकी हिम्मत नहीं होती है खाना पीना बनाने की, एंड आपको बस ये लगता है कि कैसे भी करके आप खाना बना लो। सो ये जो आप क्लिप देख रहे हो इवनिंग की है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग दिन में ज़्यादातर दाल चावल खाना पसंद करते हैं एंड रात में सब्ज़ी रोटी। बीच में मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो दिन में तो क्या होता है, मॉर्निंग में आप खाना जल्दी बना लो सब्ज़ी रोटी, और सब्ज़ी रोटी गर्म करके खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो दाल चावल होते हैं ना, उनको अगर आप गर्म करके खाते हो ना तो वो थोड़े अच्छे नहीं लगते। मतलब दाल चावल गर्म गर्म अच्छा लगता है, जैसे तुरंत बनाओ फिर तुरंत खाओ। तो वो चीज़ मैंने रात में स्टार्ट की थी, बट अब कहते हैं ना जो चीज़ आदत में आ गई है वो ही रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। हमारे घर में सबको आदत है रात में रोटी खाने की, तो इस वजह से फिर वो हो जाता है। और फिर रोटी सब्जी दाल चावल तो भाई इतनी गर्मी में होता नहीं है कि चार चीज़ें बनाऊं। तो मैं तो ये काम करती हूँ, दिन में दाल चावल बना लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, वही रात में भी चल जाता है, ताकि रात में सब्ज़ी और रोटी बन जाए। यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ सेक रही हूँ और ये अपना काम जो भी इनको मैंने बोला था वो सब ये कर रहे हैं। तो इनका थोड़ा काम अलग तरीके से था, मैं तो फटाफट करने वाली हूँ। इनको तो 10 इतने तो बर्तन करते हैं भाई। अब सोचो, धनिया धोना है तो उसके लिए छन्नी अलग से निकाली हुई है, जो कि मैं नहीं करती। ये दूध वाली छन्नी है हमारी, जिससे मैं हम दूध कभी छानते नहीं हैं, ली थी दूध के लिए ही, क्योंकि पहले जब इंदौर में थे हम तो दूध उसमें आता था। अब तो वो क्या करता था, लास्ट हमारा घर होता था तो वो एक होता ना जिस कैन में लेके आता था, वो पूरी कैन पलटाता था, तो कई बार उथल पुथल गिर जाता था। तो मैंने इतनी बड़ी वाली छन्नी ली थी उस टाइम पर। सो यहाँ पे बस हमारी जो रोटियाँ हैं वो हो जाएंगी, उसके बाद हमारा खाना बन जाएगा। और ये ब्लॉग जैसे कि मैंने बोला है कि मंगलवार और बुधवार दोनों का है, सो इस हिसाब से आप देख लेना। और इसी वजह से मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं था एंड ये रात की क्लिप थी, तो मुझे मॉर्निंग में ही से एडिट करने का टाइम मिलता। रात में कब मैं एडिट करती कब डालती, क्योंकि हमारा खाना बनते ही बनते 8:30 तो आराम से हो जाते हैं। एंड आप लोग थैंक यू सो मच, इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, प्लीज़ ऐसे ही कमेंट्स किया करो। उससे क्या होता है ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, ताकि आप लोग देख रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि मेरे कमेंट सेक्शन में ना मतलब लोग डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ से आते हैं, तो उन लोगों पर आप ध्यान मत दीजिए,
क्योंकि वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इस वजह से वो यहाँ पे अपनी भड़ास निकालने आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कैसे कर पा रही है, ये सब कुछ करते करते ये कैसे कर पा रही है। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं करती हूँ, बट जिस दिन कभी शेयर कर दिया ना तो आप लोग खुद ही घबरा जाओगे कि क्या मतलब ये बंदी कैसे झेलती होगी। कुछ लोगों को तो झूठ ही लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना जो सच होता है वो एक तो झूठ लगता है, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है। वो मेरी लाइफ के कुछ कड़वे सच हैं जो आज तक आप लोगों को कभी नहीं बताए, और मैं चाहती भी नहीं हूँगी आप लोगों को बताना। बस मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो भी है मेरी लाइफ मैं आराम से मैं निकाल रही हूँ और आराम से ये दिन जी रही हूँ, समझ रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप लोग मैच्योरिटी से लें, ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वैसा क्यों किया। कमियाँ कहते ना, कमियाँ लोग निकालने में नहीं झिझकते हैं, खूबियाँ ढूंढने में लोगों को समझ में आता है। कहते ना कि आप कमी मेरे अंदर निकालोगे, अरे तुमने ऐसे कर दिया, ये नहीं बोलेंगे कि अरे चलो ये 10 चीज़ें आपने अच्छी की और 10 आपने गलत कर दी। मैं कह रही हूँ हर इंसान ना एक होता है 100% सही नहीं होता, हर इंसान ना मतलब बिना कमी के कोई इंसान नहीं है, सब में कमी है। जब आप मिरर के सामने खुद भी खड़े होगे ना तो आपको खुद में कितनी कमियां निकल आएंगी, लेकिन लोग अपनी कमियां नहीं देखते, दूसरों में कमियां निकालते हैं। और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट वमेंट कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जिसने जो बोला बोला, अब मुझे इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये देखिए मेरी कितनी प्यारी डिलीशियस जो पनीर और मटर की सब्ज़ी है, मटर पनीर बनाई थी मैंने, एंड बहुत ही यम बनी थी। रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी इसलिए शेयर नहीं की। यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी बन चुकी हैं, अब हम खाएंगे खाना। बाकी चलो आपको दिखाती हूँ मेरी खाने की थाली। सो ये है हमारा आज का खाना, कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।